स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 भाषा भारती की जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2023-24 की, और हमने आपको पार्ट 1 वरदे, पार्ट 2 आत्मविश्वास, पार्ट 3 मध्य प्रदेश का संगीत और पार्ट 4 अपराजिता अध्याय 1 से 4 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। आज की इस वीडियो में अध्याय 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, इसका आंसर हम बताएंगे इस चैप्टर का। यदि आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज को आसानी से देख पाओगे। ये जो आपकी न्यू बुक है वर्ष 2023-24 के लिए, वही जो आपको यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में अध्याय 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पार्ट 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, इससे संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि सही विकल्प है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा की है। तो ये व्यंग पर आधारित है, व्यंग, ओके, मुक्त के नंदन इस मेरे चंदन, ये एक व्यंग के रूप में यहाँ पर आपका यूज किया गया है इस चैप्टर, इस पार्ट का। अब देखिए अजायब घर का समानार्थी शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संग्रहालय। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, मुक्त का चंदन किस मेरे नंदन कहावत किस इस पार्ट में किस पर खरी उतरती है, तो ये मुक्तानंद जी पर उतरती है, तो इसका आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन बी। प्रश्न 3 के बाद प्रश्न 4 की ओर बढ़िए, मुक्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है, तो ये निसंकोची होना पड़ता है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी करेंगे, निसंकोची। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न 5 है, मानव मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं, है ना, तो आप लिखेंगे जो मुक्तानंद जी हैं वो अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद प्रश्न 6 है, इहलोक किसे कहते हैं, इहलोक का अर्थ होता है संसार या जगत को कहते हैं, ओके, और अगर पारलोक में बोले तो ईश्वर को बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न सात का उत्तर देखते हैं, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है, तो पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न आठ है, मुक्तानंद जी के स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते हैं, तो वह फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न 8 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, माले मुक्त दिले मैरहम कहावत 3 उदाहरण दीजिए, तो आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं, तो चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े, क्या मजाल की कहाँ दावत का झूठा भी नियंत्रण मिल जाए, निमंत्रण अगर मिल जाए, है ना, तो यहाँ ये गलत लिखा है, नियंत्रण नहीं होगा निमंत्रण होगा, यहाँ पर माँ बना लेना, ठीक है, ये एज एक एग्जांपल लिखा है, 3 उदाहरण देना है पाठ के अनुसार, तो आप देख लीजिएगा, आप चैप्टर खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न दस में देखिए कि मुक्तानंद जी की समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार हैं, तो उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। इसके बाद देखिए जो आपका प्रश्न 11 है, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं, मुक्तानंद जी पुस्तक द्वारा वायदा करके लाए थे इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं, क्या मजाक आपकी दृष्टि भी उन पर, यहाँ से आप लिखेंगे उन पर पड़ जाए, इसलिए वह क्या अलमारी में बंद करके रखते हैं। प्रश्न 12 देखते हैं कि मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती, ये मुक्तानंद जी का मत है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 13, मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं, यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, उनकी डॉक्टर वैद्य हकीम सभी से दोस्ती है और आखिर में सलामत रहें, सरकारी अस्पताल किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद, वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन, गरज ये है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई, ये उनका था। इसके बाद देखिए प्रश्न 14 पाठ के लेखक की मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे मुक्तानंद जी
को सिनेमा देखने का भी शौक है, फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई, कहीं से एक थिएटर के पास ले आए। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार ये है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने अध्याय 5 जो कि है आपका मुक्तानंद जी से मिलिए, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। मिलते हैं स्टूडियो में, धन्यवाद।